नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर पंचायत और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए शुरू करते हैं गांव और थाने की खबरें। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में 29 जनवरी को होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। विशेषकर नए मतदाताओं में पहली बार वोट डालने का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं मतदाताओं ने बताया कि मतदान हमारा मौलिक अधिकार है, हम इस विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। अलवर से तिजारा जा रही तिजारा आगार की रोडवेज बस खानपुर गांव के पास दो ट्रैक्टर्स को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर एक मकान में घुस गई। बस के मकान में घुसने से मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में करीब आधा दर्जन सवारियों को चोट आई है। गंभीर हालत में एक महिला यात्री सहित रोडवेज के परिचालक को अलवर के सामान्य अस्पताल से ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया गया। यहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दौसा के बांदीकुई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सीडीपीओ कार्यालय पहुंचकर फर्नीचर खरीद में घटिया सामग्री के मामले की जांच की। इससे अन्य विभागों में खलबली मच गई है। एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के शर्मा ने बताया कि राज्य में 12 करोड़ रुपए के आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर परियोजना पे स्कूल विकसित करने के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए स्वीकृत हुए थे। एएसपी ने बताया कि फर्नीचर की गुणवत्ता में कमी होना पाया गया। शर्मा ने बताया कि 39 किलोग्राम की अलमारी मौके पर 21 किलोग्राम और कुर्सी 6 किलोग्राम की जगह 4 किलोग्राम होना जांच में पाया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एसीबी की टीम ने महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्लाई होने की शिकायत पर सीडीपीओ के गोदाम और केंद्रों पर जांच पड़ताल की। एसीबी के एएसपी राजेंद्र ढिडारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से एसीबी के जयपुर मुख्यालय पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेबल कुर्सी सप्लाई दी जानी है और ऐसे में ठेकेदार फर्म ने पूरे प्रदेश में सब सामान सप्लाई कर दिया। ये सामान गुणवत्ता पूर्वक नहीं है। सिरोही के आबू रोड में यौन शोषण आरोपी वीरेंद्र दीक्षित की संस्था ऐश्वर्या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में बाल संरक्षण आयोग की 3 सदस्य टीम सांतपुर स्थित आश्रम के केंद्र पर पहुंचे। पुलिस दल के साथ पहुंची 3 सदस्य टीम ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक केंद्र का गहनता से निरीक्षण किया। केंद्र में मौजूद बालिकाओं से बात करने की कोशिश की। जांच के दौरान केंद्र में 7 बालिकाएं नाबालिग पाई गई। 2 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस और आयोग की टीम केंद्र की तहकीकात करती रही। केंद्र में मौजूद व्यक्तियों द्वारा बालिकाओं के बारे में कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए। चुरू के सामराज गांव में सीबीआई द्वारा जांच प्लान तैयार किया गया। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में सीबीआई की 2 टीमें चुरू में जांच कर रही है। तीनों मामलों की जांच के लिए 2 अलग अलग टीमें बनाई गई। एक टीम सामराज में सभा के दौरान सुरेंद्र सिंह की मौत और 13 जुलाई को हुए उपद्रव की जांच कर रही है तो दूसरी टीम एनकाउंटर के तथ्यों को खंगाल रही है। इसके बाद एनकाउंटर में शामिल एसओजी हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने बयान उनके लिए जाएंगे। बता दें कि 6 जनवरी को सीबीआई ने 3 विभिन्न मामलों में केस दर्ज किए थे। जोधपुर के ओसिया में महिला कांस्टेबल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका सरोज सिरमंडी गांव का निवासी बताया जा रही है। इसका शव घर में फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस विभाग में 2015 बैच की कांस्टेबल सरोजी की 4 महीने पहले शादी हुई थी। मरने से पहले सरोज ने एक वीडियो जारी किया, इसमें वो परिजनों से परेशान होने की बात कह रही है। बूंदी के नरवा पुलिस ने स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया। सीआई लखन मीणा ने बताया कि मासूम के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी ने बेटी से छेड़छाड़ की है और इस बारे में जानकारी बेटी ने घर पर आकर दी थी। ऐसे में स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में भैंस चोरी के आरोपियों ने यूपी की जगनेर थाना पुलिस पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि बचाव में पुलिस ने फायर कर दिया, इससे एक ग्रामीण की मौत हो गई। यही नहीं, इस हमले में आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हुए। घटना की सूचना पर सरमथुरा बाड़ी से कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक ग्रामीण रामेश्वर गुर्जर के शव को देर रात ही पुलिस ने सीएफसी के मोर्चे में रखवा दिया। कोटा के भीमगंज मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। महिला के कब्जे से करीब 7.5 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक तेल घर इलाके में रहने वाली महिला बानो घर से थैला लेकर जा रही थी। पुलिस को शक होने पर थैले की तलाशी ली गई। महिला पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है। झालावाड़ की अकलेरा बीजेपी प्रधान विनाथ मीणा के खिलाफ 17 सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। सदस्यों ने जिला परिषद में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है। अकलेरा प्रधान विनाथ मीणा पर आरोप है कि वे अपने सदस्यों की अनदेखी और मीटिंग में नहीं बुलाने और बिना उपस्थिति के भी कोरम पूरा कर काम करवा लेते हैं।
कल पांचवीं बार सभी सदस्य झालावाड़ जिला परिषद सीईओ के सामने प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पहुंचे थे, लेकिन यहां भी इनकी किसी ने सुनी नहीं। थकार कर सदस्यों ने इस्तीफे की चेतावनी दे दी। सीकर के रेंगस मैरोली गांव में आज अचानक एक विद्युत ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई। इससे एक बार की गांव में सनसनी फैल गई। आग की सूचना पर पहुंचे दमकल ने आग पर कंट्रोल किया। तो वही आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया। गौरतलब है कि शाहपुरा ट्रांसफॉर्मर दुखांतिका के बाद भी इलाके में ट्रांसफॉर्मर में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी है। सीकर के नाथावतपुरा गांव के खेतों में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। खेत में शव की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस और शहर पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा मौके पर पहुंचे। मृतक युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया है। मृतक की उम्र 30 साल के करीब बताई जा रही है। बूंदी के नैनवा उपखंड के कालामाल गांव में विवाहिता ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खेत से लौटे परिजन जब घर पहुंचे तो घर की कुंडी अंदर से बंद थी। कुंडी तोड़कर अंदर पहुंचने पर मृतका साइना खुद की चुनरी से फंदे पर लटके मिली। परिजनों की सूचना पर देई थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। विवाहिता के शव को सीएचसी के मोर्चरी में रखवाया गया। भीलवाड़ा के रायला क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेरा के आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की और टीका लगाने के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में 6 महिलाओं का स्वास्थ्य जांचा गया। भीलवाड़ा के रायला में आसन उपखंड के रांस स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर 5 साल तक के बालकों का पोलियो, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी, टिटनस, खसरा रोगों से संबंधित टीकाकरण किया गया। भीलवाड़ा के रायला में राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय लेडिया खेड़ा सर्री में भामाशाहों की ओर से एक प्रिंटर और अलमारी समारोह पूर्वक भेंट की गई। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ सहित कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र के गांव रेवलिया कला और कचोलिया में महिलाओं ने विधि विधान के साथ दशमी का उद्यापन किया। इस अवसर पर गांवों में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। गांव रेवलिया कला और कचोलिया में 101 महिलाओं ने एकादशी व्रत का उद्यापन किया। इस अवसर पर पंडित शांतिलाल शर्मा ने 111 कलशों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर हवन किया। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटरी में किसान यंत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें आयोजन में किसानों को उन्नत बीज, खरपतवार नाशक खाद, बीजों उपचार, कृषि विभाग की योजनाओं, फसल बीमा, दुर्घटना बीमा, जल घुलनशील खाद के बारे में जानकारी दी गई। जोधपुर के ओसिया में मूंगफली के समर्थन मूल्य की खरीद को फिर से चालू करने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया। यहाँ किसान न्यू बस स्टैंड के पास तहसील चौराहे पर जोधपुर हाईवे जाम कर सड़क के बीचों बीच बैठ गए। इससे वाहनों का आवागमन बाधित हुआ है। सूचना पर नायब तहसीलदार दीपक सांखला, विकास अधिकारी सपत गोदारा और थानाधिकारी नियमाराम इनाणिया ने मौके पर पहुंचकर किसानों की मांगों से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया और समझाइश कर जाम को खुलवाया गया। उदयपुर के कोटरा क्षेत्र के करीब दर्जन भर गांवों के हजारों लोग मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए 30 जनवरी को महारोली निकालने के साथ ही एक दिवसीय सम्मेलन में समाज के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आदिवासी संघर्ष समिति मामेर के बैनर तले होने वाले इस आयोजन की सूचना देने के लिए लोग तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार मंगलाराम मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर के कोटरा में पीपला ग्राम पंचायत के 5वें राजस्व गांव में शौचालय निर्माण का काम अंतिम चरण पर पहुंच गया है। कार्य प्रगति को देखते हुए उक्त पंचायत को 15 जनवरी तक पूर्ण ऑडिट किया जा सकता है। पंचायत में करीब 500 घर है, इनमें प्रत्येक घर पर शौचालय निर्माण कार्य हो गया है। जोधपुर के ओसिया में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक 7 महीने बाद हुई। इसमें समिति सदस्यों और सरपंचों ने लंबे समय तक बैठक नहीं बुलाने पर रोष जताया है। साथ ही विधायक कोष से खोदे गए नलकूपों में हुई धांधली और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े कुओं की जांच कराने की भी मांग की गई। पाली की बात की जाए तो यहां पर रानी में सोमेश्वर कस्बे से गुजर रहे उदयपुर पाली 67 मेगा हाईवे पर सोमेश्वर रेलवे फाटक पर बने अंडरब्रिज से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। इससे फाटक पर लगने वाली वाहनों की लाइन से निजात मिल गई है। खबर पंचायत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। We'll be right back.
चलिए खबर पंचायत में अब रुक करेंगे राजधानी जयपुर के फुलेरा का, जहां नगर पालिका क्षेत्र में अन्नपूर्णा रसोई वैन का शुभारंभ विधायक निर्मल कुमावत ने फीता काट कर किया। वहीं पहला कूपन विधायक ने कटवाया। इस वैन को नगर पालिका भवन से अधिशासी अधिकारी महिमा डांगी के नेतृत्व में गाजे बाजे से नगर भ्रमण करवाते हुए हलवाई बाजार तक ले जाया गया। अब लोगों को रोजाना 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में खाना मिल पाएगा। राजधानी जयपुर के सांबर लेक में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर आयुर्वेद चिकित्सक का पद काफी समय से रिक्त चल रहा है और इस वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एक शिष्ट मंडल ने विधायक निर्मल कुमावत से मिलकर ज्ञापन भी दिया। वहीं इस पर विधायक ने मरीजों को हो रही परेशानियों को समझते हुए जल्द से जल्द यहां आयुर्वेद चिकित्सक लगवाने का आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ राजधानी जयपुर के सांबर लेक में नगर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि नगर अध्यक्ष नवल किशोर सोनी की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके मार्ग पर चलने का प्रण लिया। राजधानी जयपुर के सांबर लेक में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत आमजन को जागरूक करने, साफ सफाई रखने और प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग ना करने को लेकर नगरपालिका के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें स्वच्छता में योगदान देने वाले विद्यालयों और कार्यालय में स्वच्छता को लेकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राजसमंद के आमेर क्षेत्र के पर्वती में सड़क किनारे एक युवक की अचेत अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने उसे चिकित्सालय पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसकी पहचान बद्रीलाल भील के रूप में की है, जो शराब का आदि बताया जा रहा है। राजसमंद के देवगढ़ में एसबीबीजे बैंक में रुपया निकालने गई महिला के साथ दो महिलाओं ने रुपये चुराने की कोशिश की, लेकिन महिला के सजग होने से महिला ने पैसे हाथ से जाने नहीं दिए और इसके बाद आरोपी महिलाएं मौके से फरार हो गई। उन्हें ग्रामीणों ने दबोच लिया और देवगढ़ थाने में लेकर पहुंचे। जयपुर के दूदू में अज्ञात लोग आधा दर्जन से ज्यादा मृत बंदरों और करीब 8 घायल बंदरों को NH-8 पर गिदानी गांव के पास हाईवे किनारे छोड़कर चले गए। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मृत और घायल बंदरों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। यहां घायलों का उपचार और मृत बंदरों का पोस्टमार्टम किया गया। जयपुर के चौमू क्षेत्र के अनंतपुरा स्थित कारा वाली ढाणी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उन्हें 108 एम्बुलेंस से चौमू सीएचसी लाया गया। जयपुर के चौमू में तहसीलदार को डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के इकाई महासचिव महेश बनकर के नेतृत्व में मंच के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया और इसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत देवथला पंडित समिति गोविंदंग बुनकर मोहल्ला वार्ड नंबर 8 में जन सहयोग से भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा और पार्क स्थापित करना चाहते हैं। राजसमंद के देवगढ़ में आबकारी विभाग की कार्रवाई के अंतर्गत अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के गांच चावा निवासी करगिल शहीद दमाराम के नाम से गांव में संचालित सीनियर स्कूल का नामकरण शहीद दमाराम उनके नाम से विद्यालय के मुख्य द्वार पर भी बोर्ड पर भी लगाया गया है। शहीद की वीरांगना और पुत्र पुत्री ने इस पर खुशी जताई है। उनके प्रयास आखिर रंग लेकर आए और शहीद के नाम से विद्यालय का नामकरण हो गया है। तो वही चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में पुलिस ने विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलों के नकली ढक्कन खरीदने वाले सेल्समैन को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रिमांड पर लिया गया। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत परशुराम साइकिल पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता का अभियान पर नुक्कड़ नाटक की शानदार प्रस्तुति दी। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ भारत नाटक का मंचन SDM चंपालाल जी नगर की मौजूदगी में हुआ। बता दें कि SDM ने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि नाटक नगर के विभिन्न चौराहे और नुक्कड़ कर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में 10 दिवसीय राजस्थान मेगा ट्रेड मेला का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचोली के मुख्य आतिथ्य में हुआ। अतिथियों ने भगवान गणपति जी की पूजा अर्चना कर इसका आगाज किया और इसके बाद मेले का अवलोकन किया। छोटे दुकानदारों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।
भीलवाड़ा के आसीन में राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ संयुक्त सचिव माया प्रजापत के नेतृत्व में विधायक रामलाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया और इसमें बताया गया कि कॉलेज के भवन निर्माण को करीब 4 साल पूरे होने को है लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, इससे छात्र छात्राओं को काफी समस्याएं आ रही हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र के सुल्तानगढ़ गांव स्थित विद्यालय में गर्म कपड़े बांटे गए या 51 गरीब बच्चों को जर्सियां और स्वेटर वितरित किए गए। बता दें कि इस दौरान प्रधानाध्यापक हेमलाल कोहली सहित विद्यालय स्टाफ के सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा के बनेड़ा क्षेत्र के खारोलिया खेड़ा गांव में चल रहे नरेगा कार्य सहायक अभियंता ने निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य पर सृजित 50 में से 30 ही श्रमिक मिले। साथ ही अनुपस्थित श्रमिकों की हाजरियां भरी हुई मिलने पर सहायक अभियंता ने मस्ट्रोल जब्त किया, साथ ही मैच के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विकास अधिकारी को अनुशंसा की। 12 के अंत में 7 दिवसीय ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है। समापन समारोह में अतिथियों ने कहा कि प्रतियोगिता में हार जीत चलती रहती है लेकिन कभी भी खिलाड़ियों को हार से निराश नहीं होना चाहिए। जोधपुर की फलौदी में सीवरेज लाइन वार्डवासियों के लिए जी का जंजाल बन गई है। यहाँ वार्ड 3 में सीवरेज लाइन के टूटने से गंदगी फैली है, इससे लोग पूरी तरह से परेशान है। बूंदी के नैनवा में एसडीएम मीनू वर्मा ने फुलैता में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देई में नरेगा कार्य, थाने का, अटल सेवा केंद्र, ई मित्र, कृषि मंडी का औचक निरीक्षण किया। जोधपुर के बालेसर क्षेत्र में ऊंट उठनियों में फैल रहे विशेष रोग की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत देवनगर में विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि इसमें 150 ऊंट ऊंटनियों का टीकाकरण कर दवाइयां दी गई और पशुपालकों को विस्तार पूर्वक भी जानकारी दी गई। जोधपुर के बालेसर में जानियों की ढाणी के पास कुत्तों द्वारा घायल हिरण का ग्रामीणों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। जोधपुर के बालेसर में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर क्षेत्र के पटवारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पटवार संघ का राजस्थान सरकार के साथ हुए 22 जून के समझौते की अभी तक क्रियान्विति नहीं हुई है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में सौंदर्यकरण को लेकर चलाए जा रहे विकास कार्यों को पुलिस प्रशासन और सड़क निर्माण कंपनी ने कस्बे की सड़क चौड़ाई की सीमा नापकर निशान लगाए और सड़क सीमा में आने वाले अतिक्रमण को चिन्हित कर दिया गया। सिरोही के शिवगंज में पंचदेवल गांव में मारवाड़ मीना समाज जोधपुर संभाग के तत्वावधान में आयोजित 6 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है। खिताबी मुकाबला पुसालिया और आबू रोड के बीच खेला गया, इसमें पुसालिया 8 रनों से विजेता रहा। भरतपुर के दीग में महाराजा सूरजमल स्मृति में हुई क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। विजेता टीम को प्रदेश भाजपा नेता डॉक्टर शैलेश सिंह ने शील्ड और 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। फाइनल मैच में लकी क्रिकेट टीम डी के साई रो टीम को 22 रनों से हराकर टूर्नामेंट का खिताब जीत गई। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। चलिए खबर पंचायत में फटाफट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। चलिए खबर पंचायत में अब रुख करेंगे राजधानी जयपुर के फुलेरा क्षेत्र का, जहां नावा जोबनेर हाईवे के पास एक खेत में पेड़ पर युवक का शव लटकने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं जानकारी मिलने पर सांभा लेक और फुलेरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर फुलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। दूसरी तरफ लोगों ने यह बताया कि युवक गृह कलेश को लेकर परेशान था। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। भरतपुर के डीग तहसील में बंदरों से परेशान लोगों को अब जल्द ही उनसे निजात मिल पाएगी। दरअसल पालिका ने 300 बंदरों को पकड़वाकर अलवर के संजय बांध में छोड़ दिया है। भरतपुर के बयाना में आए दिन सांड के आतंक से लोग उनके चपेट में आकर जख्मी हो जाते हैं। सांड का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देती नजर नहीं आ रही।
भरतपुर के बयाना क्षेत्र के नया गांव कला गांव में 3 साल पहले प्रसाद में जहरीला पदार्थ खिलाकर 13 वर्षीय बालक की हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोटा के खैराबाद क्षेत्र की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना ताखली बांध के बंद पड़े निर्माण और विस्थापितों को मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वही कांग्रेस प्रदेश महासचिव रामगोपाल बैरवा ने चेचड़ कस्बे में कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, साथ ही रैली निकालकर चेचड़ नायाब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर के नसीराबाद में एबीवीपी ने स्वामी विवेकानंद की 154वीं जयंती की पूर्व संध्या पर मुख्य बाजार स्थित हनुमान चौक पर सैकड़ों द्वीप प्रज्वलित कर युवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। यहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने युवा जयंती को युवा पखवाड़ा और हरित सफर के रूप में बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को स्वामी विवेकानंद की उपलब्धियां भी गिनाई गई। जैसलमेर के रामगढ़ में पंचायत की खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं, इससे पंचायत को लाखों का राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जालौर के जितलवाना में विधायक सुखराम विश्नोई ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वही मनरेगा के तहत कार्यों का अवलोकन और भुगतान की जानकारी ली, साथ ही स्थानीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक से संपर्क कर शिक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली गई। कोटा के इटावा में हाड़ौती बंद के आह्वान पर इटावा कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। बता दें कि व्यापारियों ने बंद का पूरा सहयोग किया है, इस दौरान शिक्षण संस्थाएं भी बंद रही। चूरू के तारानगर में सरकारी कार्यालय के मुख्य मार्ग पर निजी विद्यालय के संचालक ने अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं सौर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, बता दें कि गांव में निजी विद्यालय के संचालकों का दबदबा देखने को मिलता है। झालावाड़ के मनोहर थाना में विहिप और बजरंग दल के आह्वान पर प्रखंड की सभी दुकानें बंद रही। बंद को पूरी तरह सफल बनाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता सुबह से बाजार में टोलियां बनाकर घूमते नजर आए। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह जाब्ता तैनात कर दिया गया। चूरू के सरदार शहर में पेंशन जीपीएफ ग्रेच्युटी की राशि नहीं मिलने पर निकाय सफाई कर्मचारी फूला देवी ने पालिका के आगे अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल उन्होंने बताया कि 6 महीनों से नगर पालिका के चक्कर लगाते हुए परेशान हो गई, कहीं कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इस कारण उसे मजबूरी में अनशन कर बैठना यहाँ पड़ा है। भरतपुर के नदबई में ग्राम पीली के सीताराम मंदिर में 10 दिवसीय अंतरंग आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर शुरू किया गया और इस शिविर में 267 रोगियों को निःशुल्क उपचार किया गया। वहीं 400 रोगियों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए काढ़ा पिलाकर लाभान्वित भी किया गया। भरतपुर के नदबई में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एसडीएम राजेश गोयल ने परस्पर संवादात्मक स्कूली वचनबद्धता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सभी चुनावों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया, लोगों को प्रेरित किया गया। करौली के टोडा भीम उपखंड के गांव माचड़ी के चौराहे पर आए दिन हो रहे विद्युत कटौती की समस्या से तंग आकर 4 गांवों के ग्रामीणों ने बालघाट मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जाम लगा दिया। यही नहीं, यहां पर सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे टोड़ा भीम तहसीलदार बाबूलाल मीणा को पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीणा ने गांव माचड़ी में 3 दिन से बिजली नहीं मिलने की समस्या से अवगत करवाया। बता दें कि यहां पर विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी के चलते फिर से बिजली की समस्या पैदा हो गई है। झुंझुनू के बिसाऊ में वार्ड 4 के मौलाना आजाद स्कूल के पास आज एक समुदाय के नवयुवकों ने चाइनीज मांचे की होली जलाई और नारेबाजी कर विरोध जताया गया। समाज सेवियों और व्यापारियों ने मिलकर चाइनीज मांचे को चलाया, लोगों से अपील की कि चाइनीज मांचे का उपयोग ना करें। करौली की टोड़ा भीम कस्बे के बीच पर बालाजी मंदिर के सामने घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस घरेलू सामान से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग पर लोगों की मदद से काबू पाया गया, ऐसे कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। भीलवाड़ा के बिचौलिया में ब्रेन एबिलिटी डेवलपमेंट के तहत दिए जा रहे योग और विज्ञान के सम्मिश्रित प्रशिक्षण शिविर में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं शिविर के ट्रेनर सतीश गौड़ ने बताया कि इस ट्रेनिंग से बच्चों की छठी इंद्री जागृत हो जाती है, इससे बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा और अविश्वसनीय क्षमताओं का विकास होता है। बाड़मेर के संदौड़ी तहसील के सिलोर गांव में ग्रामीणों को जैविक खेती की विस्तृत जानकारी दी गई। यहाँ किसान और ग्रामीणों को बताया कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। भीलवाड़ा के आसन में पुलिस थाने में 6 दिवसीय योग शिविर का समापन हुआ है। दरअसल शिविर में पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर के अंतिम दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नियमित योग अभ्यास करने की शपथ ली गई।
बाड़मेर के संदड़ी में निकटवर्ती राखी गांव के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कक्षा 9 की छात्राओं के चेहरे साइकिल पाकर खेल उठे। यहां 26 बालिकाओं को सेवाना विधायक हमीर सिंह भायल के नेतृत्व में साइकिल बांट चुके। पाली के सुमेरपुर में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान स्वामी विवेकानंद सर्किल पर विवेकानंद की भूमि मूर्ति पर नगरपालिका अध्यक्ष जोरा राम कुमावत समाज सेवियों ने माल्यार्पण किया। भीलवाड़ा के गुलापुरा में 2 महीने से अधूरे सड़क निर्माण को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने मुंह को पॉलिथीन से ढककर ये ज्ञापन सौंपा। साथ ही यहां पर नगरपालिका के खिलाफ नारे भी लगाए गए। व्यापारियों ने 24 घंटे में काम शुरू नहीं होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी है। राजसमंद के देवगढ़ में महाराणा कुंभा जन्मभूमि सेवा समिति के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने दूरदराज के गांवों को पीले चावल देकर मेवाड़ महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। बाड़मेर के कल्याणपुर में मंडली पुलिस ने बागावास में एक जने को उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू के खेतड़े में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की मान्यता प्राप्त 2 यूनियन में दरार पड़ गई। बता दें कि यहां पर सैकड़ों कर्मचारियों ने अपना अलग अलग संगठन बना लिया है। नेहरू मैदान में कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने बैठक कर दोनों यूनियंस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अजमेर के पुष्कर में देर रात जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कस्बे के ब्रह्मा मंदिर से शुरू हुआ मार्च यहूदी धर्म स्थल बेत खबात पर समाप्त हुआ। बता दें कि इस मार्च में सशस्त्र जवानों से सीओ ग्रामीण राजेंद्र वर्मा और थाना प्रभारी महावीर शर्मा के नेतृत्व में निकाला गया। रुकेंगे यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।